आज सोनीपत में अनेजा हॉस्पिटल में संपूर्ण स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें सोनीपत के सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस कैंप में हड्डियों की जांच, दांतों की जांच, शुगर की जांच व अन्य बीमारियों की जांच की गई। कैंप के आयोजनकर्ता डॉक्टर प्रवीण अनेजा ने बताया कि आज के कैंप में अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की जाँच की गई। डॉक्टर प्रवीण अनेजा ने बताया, आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों का खान पान व रहन सहन बदलता जा रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सभी को योगा करना चाहिए और लंबी सैर करनी चाहिए। के ऐसे कैंप लगाया गया है। इस कैंप के अंदर हड्डियों की जांच, नसों की जांच, बालों की जांच, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल और एपीवन ऐसी टेस्ट फ्री किया जा रहा है और कंप्लीट बॉडी चेकअप काफी किया जा रहा है। आने वाले समय भी ऐसे कैंप लगाए जाएंगे। भविष्य में भी लोगों की सेवा के लिए जरूर इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। अब तक कितने मरीजों की जांच हो चुकी है? अभी तक जो है स्किन के अंदर 25 मरीजों की जांच की हुई है, जनरल के अंदर 30 मरीजों की जांच की हुई है, डॉक्टरों के अंदर भी लगभग 20 जांच हुई है, हड्डियों के लिए 70-80 की जांच की जा चुकी है। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को सबसे पहले तो योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, खान पान के ऊपर तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम लेनी चाहिए और मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहोगे अब सोनीपत की जनता को, जैसे आज आपने कैंप लगाया, इससे क्या देना चाहोगे? जो आपने मरीज भी चेक किया उसमें क्या मरीजों को जो चेक किया गया है, मैक्सिमम जो पेशेंट हैं स्ट्रेस से ग्रस्त हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, शुगर उनको बहुत ज़्यादा है और जो बुजुर्ग पेशेंट हैं उनकी देख रेख के लिए उनके जो सहयोगी जन हैं उनकी भी कमी है, मतलब बुजुर्ग लोग अपने आप को लाचार महसूस किए कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से गुजारिश है कि मतलब मेरा भी प्रयत्न है, संस्था का भी प्रयत्न है कि हम जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको फ्री जांच की जाए या रियायती दरों में उनको जांच की जाए। कंचन टीवी के लिए सोनीपत से कैमरामैन सोनू के साथ संजीव कौशिक की रिपोर्ट।